हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियो स्केप वेलोसिटी। और बच्चे अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन कूलॉम्ब्स लॉ पढ़ रहे थे और आज उसी पार्ट को कूलॉम्ब्स लॉ को आगे कंटिन्यू करेंगे। कूलॉम्ब्स लॉ में काफ़ी अच्छी चीज़ें अपन ने सीखी और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर परमिटिविटी ऑफ मीडियम का एक्चुअल मतलब क्या होता है, ये सारी बातें पिछले लेक्चर में अपन ने डिटेल में मैंने आपको बताई है और आपने सीखी है। तो बच्चे मेरा नाम है अमन कुमार सिंह और काफ़ी लोग आप में ऐसे जानते हैं, जो लोग नहीं जानते उनको मैं थोड़ा सा छोटा सा अपना एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो बच्चे मैं करीब पिछले 5 सालों से IIT-JEE की प्रिपरेशन करा रहा हूँ बच्चों को और इन 5 सालों में बच्चे मैंने 10,000 बच्चों से ज़्यादा मेरा इंटरेक्शन हो चुका है। और सारे बच्चों से इंटरेक्ट करने के बाद काफ़ी लर्निंग रही मेरी बच्चों के साथ रह के मैंने काफ़ी कुछ सीखा और फाइनली मैंने अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी को इवॉल्व किया और आज की डेट में भी सीख रहा हूँ। हर दिन प्रोग्रेस चलती रहती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे से कनेक्ट कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरी बातों को समझ पाए और एक बच्चों को फिजिक्स समझने में पढ़ने में मज़ा आए। बहुत ईजिली कंसेप्चुअली हर एक चीज़ को बहुत बेसिक से बहुत कंसेप्चुअली बच्चे समझे और उनको उन सारी चीज़ों को सीखने में पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आए। क्लियर है बच्चों? और एक चीज़ और बता दूँ बच्चे, ये जो पूरा मेरा 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है ये मैंने बच्चों कोटा में रह के ही बच्चों को पढ़ाया है और पूरा का पूरा जो मेरा ये एक्सपीरियंस है कोटा में ही इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है। कोटा आप सब जानते हैं, अगर अपने इंडिया में अगर आप IIT-JEE या नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कोटा इज़ ए एजुकेशन हब। लेकिन बच्चे अब वही कोटा में जो आपको एजुकेशन मिलती है वो आपको अनअकैडमी के चैनल के थ्रू आपको घर बैठे आपके मोबाइल पे आपके लैपटॉप पे थ्रू इंटरनेट मिल रही है। तो बच्चे ये बहुत अच्छी बात है, आप मेरे से यूट्यूब पे कनेक्टेड रहिए ऑन दिस चैनल अनअकैडमी स्टूडियो स्केप वेलोसिटी और डेली मेरे से बच्चे कुछ ना कुछ सीखिए। बच्चे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अनअकैडमी का जो अपना प्लेटफॉर्म है यूट्यूब चैनल के साथ साथ जो अपना अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है ऐप है उस पर आप बच्चे मेरे को फॉलो कर सकते हैं अमन सिंह 3180। मेरे को वहाँ पे फॉलो करिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस चीज़ को बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपोगेट करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कनेक्ट हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एक मीनिंगफुल कंटेंट उन्हें मिल सके ईजिली। एक बात और बच्चे बता दूँ, मैं आपको लाइव डेली पढ़ाऊँगा, पूरे साल भर पूरा कोर्स फिजिक्स का पढ़ाऊँगा बच्चे और मैं डेली लाइव मिलूँगा बच्चे। जनरल मैकेनिक्स अपन पढ़ेंगे क्लास 11th की 1 PM to 2 PM अपन जनरल मैकेनिक्स पढ़ रहे होंगे डेली। जनरल मैकेनिक्स अगर बच्चे बता दें तो ये क्लास 11th का कोर्स है बच्चे अपने और क्लास 11th में भी जो NCERT के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो जो बुक पार्ट 1 है उसमें पूरा का पूरा क्या बच्चे है जनरल मैकेनिक्स। और रोज़ शाम को भी बच्चे मिलूंगा बच्चे, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा आप लोगों को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं जो भी अपना करंट जो भी मैं पढ़ा भी रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक, डेली अपन को इसी समय पे 9 PM to 10 PM अपन लाइव आएंगे। लाइव आप मेरे से मिल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कमेंट सेक्शन के थ्रू मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, मैं कमेंट रीड करता रहता हूँ, आपको जरूर रिप्लाई करूँगा उस चीज़ में। और इस तरह से अपना साल भर पूरा फिजिक्स का कोर्स चलता रहेगा। चलो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक कूलॉम्ब्स लॉ। तो बच्चे कूलॉम्ब्स लॉ, लास्ट लेक्चर में भी अपन कूलॉम्ब्स लॉ पे ही डिस्कशन कर रहे थे। कूलॉम्ब्स लॉ क्या होता है, दो चार्जेस के बीच का फोर्स कितना लगता है बच्चे, KQ1 Q2 / R2। ये बात मैंने समझा दी थी बच्चे कि दो चार्जेस का बीच का फोर्स कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है। आप उसे एक वैक्यूम में रखें, एयर में रखें, पानी में डाल दें, दूध में डाल दें, ऑयल में डाल दें, कहीं कंडक्टर में डाल दें, ये पार्टिकल जो इस पर फोर्स लगा रहा है वो हमेशा कितना रहेगा, KQ1 Q2 / R2। वेयर के इज कूलॉम्ब्स कांस्टेंट और K की वैल्यू और अपन क्या लिखते हैं 1/4 πε0। और एप्साइलन नॉट क्या होता था बच्चे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी के बारे में अपन ने काफ़ी डिटेल में चर्चा करी थी और परमिटिविटी का क्या गलत सलत लोग मतलब बता देते हैं वो सब भी समझाया था। और मैंने एक्चुअली में समझाया था कि परमिटिविटी होता क्या है, मीडियम के इफेक्ट के आ जाने की वजह से फोर्स कम क्यों हो जाता है, ये बात आई थी समझ में। मैंने बताया था कि दो पार्टिकल के बीच का फोर्स कभी चेंज नहीं होता बट इन दोनों पे लगने वाला नेट फोर्स चेंज हो जाता है बिकॉज मीडियम भी एक फोर्स लगा रहा होता है। और ये बात भी बच्चे मैंने मॉलिक्यूल्स के पोलराइजेशन के थ्रू समझाने की कोशिश करी थी और शायद आपको समझा भी दिया था
कि जो मॉलिक्यूल्स के पोलराइजेशन की वजह से जो फील्ड आती है या फिर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स आते हैं या फिर मीडियम जो फोर्स लगाता है चार्ज पे, वो हमेशा अप्लाइड फील्ड या फिर जो पहला दूसरा कोई जो चार्ज पार्टिकल लगा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही आता था। इस वजह से नेट फोर्स हमें हमेशा क्या मिलता था, कम। सबसे मैक्सिमम नेट फोर्स कब मिलता है बच्चे, वैक्यूम में। वैक्यूम में क्यों बच्चे, कोई मॉलिक्यूल्स ही नहीं, मॉलिक्यूल्स ही नहीं तो पोलराइजेशन ही नहीं, पोलराइजेशन नहीं तो एक्स्ट्रा कोई फोर्स ही नहीं है। जैसे जैसे अपन मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे, एयर में थोड़ा कम होता है बट एयर में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए कोई खास फर्क नहीं होता है। इसलिए बच्चे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ एयर अपन क्या लेते हैं, सेम लेते हैं। वाटर का 80 क्यों होता है मैंने समझा दिया था, वो कंडक्टर में वो इनफाइनाइट हो जाता है। नेट फोर्स कितना लगता है, जीरो। लेकिन नेट फोर्स जीरो लग रहा होता है चार्ज पार्टिकल में, ये दोनों के बीच का जो फोर्स होता है वो बच्चे अभी भी K Q1 Q2 / r² ही रहता है, भले उसे कंडक्टर में भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कूलॉम्ब्स लॉ पे ये बेसिक बेसिक छोटी छोटी सी बातें कर ली थी, अब कूलॉम्ब्स लॉ पे थोड़ी और बातें करते हैं। तो लिखो बच्चे, लिखिए कूलॉम्ब्स लॉ, कुछ लिख लीजिए। कूलॉम्ब्स लॉ फॉलोज, कूलॉम्ब्स लॉ फॉलोज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, या फिर कूलॉम्बिक फोर्स फॉलोज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब बात आती है कि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या, बहुत बड़ा सा शब्द, क्या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चे, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बच्चे ये दो बात बोलता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चे, कि कोई भी फोर्स अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता है, मतलब वो फोर्स प्रेजेंस ऑफ एनी अदर फोर्स पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। कोई दूसरा फोर्स लगा दिया तो उसकी वैल्यू चेंज अगर हो जा रही है तो वो फोर्स कूलॉम्ब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा। जो भी फोर्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं वो फोर्स इंडिपेंडेंट होते हैं प्रेजेंस ऑफ एनी अदर फोर्स। एक बात को समझते, इस बात से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से मैं अपना परमिटिविटी जो लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था मीडियम के इफेक्ट को, उस बात को भी बच्चे मैं आपको वापस से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उस चीज़ को समझते हैं बच्चे, एक छोटा सा एग्जांपल, कहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो होता है कहाँ पे नहीं, समझना बच्चे। ये चार्ज है, Q2 Q1, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, Q1 इस पे इधर लगा रहा है, Q2 इस पे इधर लगा रहा है, और कितना लगा रहा है, K Q1 Q2 / r². ये जो फोर्स है ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है। कोई और फोर्स आ गया, कुछ भी आ गया, तो भी इन दोनों के बीच का फोर्स जो Q1 Q2 पे लगा रहा है या Q2 जो Q1 पे लगा रहा है बच्चे, ये चेंज हो ही नहीं सकता। अगर ये हो गया तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता। मतलब समझना, अगर लेट से मैंने यहां पे कोई फोर्स, कोई चार्ज Q3 ले आए, तो Q3 भी Q2 पे फोर्स लगाएगा, Q3 Q1 पे भी लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। Q2 पे लगने वाला नेट फोर्स वो भी चेंज हो जाएगा, लेकिन Q3 की प्रेजेंस से Q1 और Q2 में लगने वाला फोर्स चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। अगर Q3 आ जाए यहां पे, Q4 आ जाए यहां, कहीं दुनिया में Qn आ जाए, कितने भी चार्ज ले आओ, ये Qn भी Q2 पे लगाएगा, Q3 भी Q2 पे लगाएगा, Q4 भी Q2 पे लगाएगा, और Q1 तो लगा ही रहा है, लेकिन इनकी प्रेजेंस की वजह से, बाकी और फोर्स के आ जाने की वजह से Q1 और Q2 का फोर्स नहीं बदलेगा। ये अगर इनके बीच की सेपरेशन R है तो Q1 Q2 पे अभी भी K Q1 Q2 / r² ही फोर्स लगाएगा। Q2 Q3 Qn Q4 हो चाहे ना हो, Q1 Q2 को कोई फर्क नहीं पड़ता, Q1 Q2 आपस में इतना ही फोर्स लगा रहेगा। इसी तरह बच्चे Q2 Q3 को कुछ ऐसे फोर्स लगा रहा होगा अगर पॉजिटिव है, और Q2 Q3 को कुछ ऐसे। अब इन दोनों के बीच का फोर्स
बिल्कुल भी इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आसपास की सराउंडिंग में और कौन कौन फोर्स लगा रहा है। Q1 भी फोर्स लगा रहा होगा, Qn भी लगा रहा होगा, Q4 भी लगा रहा होगा, सब फोर्स लगा रहे होंगे, लेकिन Q2 Q3 का जो फोर्स हो, ये हो चाहे ना हो, बाकी के फोर्स चार्जेस हो चाहे ना हो, Q2 Q3 का फोर्स डिपेंड नहीं करता, वह उतना का उतना बना रहेगा। क्लियर है इतना? लिखो बच्चे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट दैट नेट फोर्स या फिर कूलॉम्बिक फोर्स, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट कूलॉम्बिक फोर्स, कूलॉम्ब मतलब ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कूलॉम्ब लॉ के लिए बात कर रहा हूँ, Does not depend upon any other charged particle in the surrounding. मतलब किसी भी दो चार्ज के बीच का फोर्स बाकी गांव में कितने भी चार्जेस हों उस पर डिपेंड नहीं करता। मतलब ये बाकी जो चार्ज हो गए क्या हो गए गांव वाले, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है, वो इस बाकी गांव वालों की परवाह नहीं करता, वो वैसा क्या वैसा बना रहेगा। इसी तरह बच्चे Q2 Q3 के बीच का जो फोर्स है वो Q1 Q4 Q5 Q6 Qn Q100 Q2000 किसी भी चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। Q2 Q3 का फोर्स वैसा ही मेंटेन रहेगा, Q1 Q2 का वैसा मेंटेन रहेगा, Qn Q1 का वैसा मेंटेन, मतलब जो भी दो चार्जेस आपस में जो फोर्स लगा रहे हैं वो उतना ही लगा रहे हैं, कोई अड़ोस पड़ोस में या फिर उस सराउंडिंग में कोई चार्ज हो चाहे ना, उनका फोर्स वैसा का वैसा ही रहेगा। क्लियर है? अब आपको डाउट आएगा कि सर इसमें नया क्या बताया, ये तो सारे ही फोर्स ऐसा करते हैं। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है, सारे फोर्सेस नहीं होते, कुछ फोर्सेस सेल्फ एडजस्टिंग होते हैं और वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जांपल ये 5 kg का ब्लॉक है, किसी फ्लोर पे रखा है, इसकी FBD बनाऊं तो यहां नॉर्मल लगेगा और नीचे MG कितना 50 N का, और यहां नॉर्मल लग रहा है। अब मैं आपसे पूछूं बेटा नॉर्मल की वैल्यू बताना इस केस में, आप बोल लोगे सर बहुत इजी बात है, ये तो 50 N ही लग रहा होगा बिकॉज ये इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स क्या हो रहे होंगे, बैलेंस। मैंने कहा वेरी गुड, इसी सेम सिचुएशन में इस ब्लॉक और इस फ्लोर का ही नॉर्मल अगर मैंने एक्स्ट्रा में एक फोर्स और लगा दिया, कितना, लेट से 10 N, मैंने ऊपर से हाथ लगा के ऐसे दबाया 10 N से, मैं बोलूंगा अच्छा बच्चे बताओ प्रीवियस सिचुएशन में तो नॉर्मल की वैल्यू 50 N थी, अब मैंने जैसे ही 10 N लगाया तो नॉर्मल कुछ बदल गया होगा, आप बताओ कितना होगा। आप कहोगे सर 10 भी नीचे लग रहा है, 50 भी नीचे लग रहा है, मतलब अगर ये बैलेंस है, इक्विलिब्रियम हो रहा है, मतलब यहां पे फोर्स जो लग रहा होगा वो नेट 60 N लग रहा होगा। यही तो, जैसे ही एक एक्स्ट्रा फोर्स आया नॉर्मल की वैल्यू क्या हो गई, चेंज। तो नॉर्मल फोर्स डज नॉट फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मतलब कुछ फोर्स फॉलो करते हैं कुछ नहीं करते हैं। कूलॉम्बिक फोर्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता है, नॉर्मल फोर्स नहीं करता, फ्रिक्शन फोर्स नहीं करता। क्लियर है इतना? ये एक एग्जांपल था, तो यहां से लिख सकता हूं कंक्लूजन, नॉर्मल फोर्स डू नॉट फॉलो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। क्लियर है? मतलब कुछ फोर्सेस होते हैं नेचर में जो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं और कुछ होते हैं जो नहीं करते। लिखो बच्चे इसको। लिख लिए बच्चे? ठीक है, पॉइंट नंबर 2 लिखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए। द नेट फोर्स
पॉइंट नंबर टू लिखे, द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज पार्टिकल, द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज पार्टिकल इज रिजल्टेंट ऑफ, इज रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज पार्टिकल इज रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन इट, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन इट, फुल स्टॉप। क्लियर है इतना? आगे बढ़ें। इसी बात को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। क्या कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मतलब समझना, ये Q1 है, ये लेट से Q2 है, ये लेट से Q3 है, ये लेट से Q4 है, और लेट से यहां पे कहीं Qn है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दो बातें कहता है, क्या कि किन्हीं भी दो चार्ज पार्टिकल का फोर्स बाकी गांव वालों पे डिपेंड नहीं करेगा। गांव वाले मतलब बाकी जो कुछ भी सराउंडिंग में चार्जेस पड़े हैं उनसे किसी भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स डिपेंड, जैसे मतलब Q1 Q2 के बीच में जो फोर्स होगा, जैसे Q1 जो Q2 पे फोर्स ये लगा रहा है F, अब इस पे Q4 हो चाहे ना हो इसकी वैल्यू F इधर ही रहेगी और डायरेक्शन भी यही रहेगा, ये चेंज ही नहीं हो सकता। इसी तरह Q2 Q4 पे कुछ ऐसा फोर्स लगा रहा होगा, जैसे लेट से इसको F1 बोल दिया, इसको F4 बोल दिया, ये फोर लगा रहा है। अब यहां पे Q1 Q3 Qn नहीं होते तब भी Q4 इतना ही लगाता, और ये है तब भी ये इतना ही लगाएगा। क्लियर है इतना? इसी तरह Q3 लेट से इधर लगा रहा है, ये F3 वेक्टर, ये F1 वेक्टर, ये F1, और Qn लेट से कुछ इधर लगा रहा है, तो Qn और Q2 के बीच में भी जो बच्चे फोर्स है वो Q1 Q4 Q3 इन पे डिपेंड नहीं करता, मतलब किन्हीं भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स बाकी गांव वालों पे या बाकी चार्ज पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है इतना? अब अगर मैं पूछूं F नेट ऑन टू, नेट फोर्स ऑन पार्टिकल टू या फिर चार्ज पार्टिकल टू, तो वो क्या कहोगे आप बच्चे? वेक्टर सम, किसका? सारे फोर्सेस का, F1 का प्लस F2 का प्लस F3 का प्लस Fn वेक्टर का। क्लियर है इतना? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दो बातें कहता है, क्या कि किसी भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच किसी भी थर्ड चार्ज, फोर्थ चार्ज, फिफ्थ चार्ज, किसी भी एक्स्ट्रा चार्ज की प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करता। दूसरी, किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जो नेट फोर्स होता है वो वेक्टर सम होता है ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन इट, दैट्स इट, फुल स्टॉप। क्लियर है इतना बच्चों? कॉपी करो जल्दी से, हटाने वाला हूं मैं इसको। कॉपी कर लिया? आगे बढ़े। चलो लेट्स मूव ऑन, कुछ क्वेश्चन करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड करें। तो समझना बच्चे, सबसे बेसिक क्वेश्चन से पहले शुरू करते हैं। ये कोई बच्चे ट्राइंगल है जिसकी साइड लेंथ कितनी है? ए, और सारे के सारे वर्टिसेस पे चार्ज रखा है क्यू। ये वर्टिस ए, ये बी, ये सी। क्वेश्चन लिखिए, Find the net force acting on charge placed at vertice A, charge placed at vertices A। यहां जो बच्चे ये जो चार्ज रखा है क्यू, इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा इस अरेंजमेंट में? ये सारे के सारे फिक्स हैं, कितना लग रहा होगा ये निकालना, जल्दी निकालो बच्चे। मैं फ्रेम के बाहर हो जा रहा हूं कि आपको क्वेश्चन की विजिबिलिटी थोड़ी बेटर हो। एक मिनट का समय दिया, ज्यादा नहीं लगना चाहिए। जो चार्ज सी पे रखा है वो ए पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, पहले ये बनाइए।
मैग्नीट्यूड भी लिखिए, डायरेक्शन भी बनाइए, वेक्टर बनाइए उसका। फिर जो चार्ज बी पे रखा है, ये ए पे कितना फोर्स लगा रहा होगा वो बनाइए। फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की जो अगली बात है कि नेट फोर्स क्या होता है, वेक्टर सम होता है दोनों का, कर दीजिए, देखिए आंसर कितना आ रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी की सारी साइडें कैसी होंगी बच्चे, एज लेंथ ए की। चलो देखते हैं बच्चों। देखो बच्चे, ये बी जो ए पे फोर्स लगा रहा होगा, पेन बदल लेता हूं, ब्लू कलर का कर लेता हूं सॉल्यूशन के लिए, वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा और इन दोनों के बीच का फोर्स इस पे तो डिपेंड करेगा नहीं। तो इन दोनों के बीच का फोर्स, अगर ये साइड लेंथ ये भी ए, इक्विलेटरल ट्रायंगल और सारी की सारी ए होंगी, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं इसकी वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर है बच्चे, हाँ या ना? इसी तरह बच्चे, इसका और इसका फोर्स इस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इसका और इसका फोर्स भी कूलॉम्बिक फोर्स है और कितना रहेगा, के क्यू वन क्यू टू, दोनों सेम है तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर है? अब बच्चे देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, तो ये एंगल भी इतनी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए बच्चे मैं क्या करता हूं, इनको अलग से ड्रॉ कर लेता हूं। क्या बच्चे ये एंगल 30 डिग्री होगा और ये एंगल भी कितना होगा बच्चे 30 डिग्री। ये फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये फोर्स भी उतना ही है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब बच्चे एक बात समझो, इनके जो ये वाले कंपोनेंट हैं, मैं येलो कलर यूज कर लेता हूं, इनके जो ये कंपोनेंट है ये और ये, क्या एग्जैक्टली इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में भी है, तो क्या हो जाएंगे बच्चे, कैंसिल आउट। क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो जो जुड़ेंगे बच्चे वो क्या सिर्फ इस डायरेक्शन के होंगे, इसका भी, तो क्या नेट 2k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू कॉस 30। अरे इसका इधर कितना कंपोनेंट आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू कॉस 30, और इसका भी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू कॉस 30, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 2। क्लियर है? तो अपना जो एफ नेट आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और कॉस 30 कितना होता है बच्चे, रूट 3/2। 2 से 2 शहीद हो गए, ये दो दो बेचारे कट मरे, और तो यहाँ से एफ नेट जो आया वो कितना आ गया बच्चे, रूट 3 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बहुत बेसिक, सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन था, समझ में आया अच्छे से? क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ जाएं, छाप लो सॉल्यूशन जल्दी से, 10 सेकंड दिए। आगे बढ़ जाएं, चल नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नया क्वेश्चन लेते हैं, इलस्ट्रेशन 2 कूलॉम्ब्स लॉ पे। काफी ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चे अपन। ये स्क्वायर है, एज लेंथ कितनी है बच्चे ए, यहां चार्ज रखा है बच्चे क्यू, यहां भी चार्ज रखा है क्यू, यहां रखा है 2q। ये वर्टिसेस ए, ये वर्टिसेस बी, ये सी, और ये वाली वर्टिसेस बच्चे डी। यहां पे चार्ज रख दिया बच्चे एक कैपिटल क्यू। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज प्लेस्ड एट वर्टिसेस बी। इस बी वर्टिसेस पे जो चार्ज कैपिटल क्यू रखा है, इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा ये निकालिए जल्दी से। वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल निकालना है, दो चार्जेस के बीच का फोर्स तीसरे पे डिपेंड नहीं करेगा, सारे
जितने भी चार्जेस हैं एक्स्ट्रा सबकी वजह से फोर्स लगा लो, उनका वेक्टर सम निकालना, जल्दी शुरू हो जाओ। देखें कितने लोगों ने सही से समझा इस चीज को। करिए करिए, इजी सही है। अभी दो फोर्स लगा रहे थे, दो चार्जेस, अब तीसरा भी लगाएगा। बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ, देखते हैं। देखा जाए बच्चों, चलो जिसने कर लिया बढ़िया, ठीक है, नहीं किया तो इधर देखो। अब कॉपी पेन छोड़ो, इधर सामने स्क्रीन की तरफ मुझे देखो, जो समझा रहा हूँ समझो। बच्चे समझो, ये ए जो इस पर फोर्स लगा रहा होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, क्लियर है। और वैल्यू की बात करूँ, इसको मैं एफ वन बोल दे रहा, कितनी वैल्यू होगी, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, क्लियर है बच्चे। अब ये क्यू इस कैपिटल क्यू पे जो फोर्स लगाएगा ये भी ऊपर की डायरेक्शन में होगा, कितना होगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर। सी की वजह से बना दिया और ए की वजह से ये एफ टू वैक्टर बोल दिया, जो सी लगा रहा है उसको एफ टू बोल दिया, जो ए लगा रहा है उसको एफ वन बोल दिया, क्लियर। एक तीसरा चार्ज टू क्यू का और रह गया, ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चे, रूट टू ए। और फोर्स क्या ये भी रेडियली डायरेक्शन में लगा रहा होगा, बिल्कुल रेडियल डायरेक्शन में लगा रहा होगा, तो ये फोर्स क्या बच्चे इधर आएगा, कितना होगा, के कैपिटल क्यू टू क्यू अपॉन रूट टू ए, टोटल डिस्टेंस कितनी है, रूट टू ए का होल स्क्वायर, क्लियर है बच्चे। अब एक बात समझो, ये एंगल 90 है तो बच्चे ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, इतना क्लियर है। अब एक बात सोचो बच्चे, अगर F1 और F2 90 डिग्री पे, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या बच्चे इन दोनों का, सिर्फ F1 और F2 का रिजल्टेंट की बारे में बात करूं, जिसको मैं किसी डिफरेंट कलर के पेन, लेट से ग्रीन कलर के पेन से बनाने वाला हूं, क्या वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा। ये ग्रीन वाला फोर्स कितना है, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, F1 वेक्टर और F2 वेक्टर भी किस डायरेक्शन में है, सिर्फ और सिर्फ F3 की डायरेक्शन में। ये वाला किसके बराबर था बच्चे, F3 वेक्टर, F3 वेक्टर क्या है, जो ये D वाला चार्ज इस पे लगा रहा है। तो बच्चे अब देखो, F1 और F2 का रिजल्टेंट इस थर्ड फोर्स के डायरेक्शन में, तो इन्हें डायरेक्टली एड कर सकते हैं वैक्टर लॉ के अकॉर्डिंग, बिल्कुल कर सकते हैं। तो फोर्स ऑन बी, नेट फोर्स ऑन बी की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट जो 90 डिग्री पे है और सेम मैग्नीट्यूड के हैं, क्या इनका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली बच्चे, इतना वेक्टर तो आप लोग को आता होगा कि के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों बराबर है, तो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट निकालेंगे रूट टू आ जाएगा, क्लियर है। प्लस ये कितना है बच्चे, के क्यू टू क्यू अपॉन रूट टू ए का स्क्वायर करेंगे, टू टाइम्स ए स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर है बच्चे। इतना यहां से टू और टू शहीद हो लिए, क्या करता हूं, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, रूट टू प्लस वन, क्लियर है इतना। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर इंटू रूट टू प्लस वन, क्लियर है। नोट कर लो सॉल्यूशन जल्दी से बच्चे, एक मिनट दिया।
कर लिया, आगे बढ़ जाए बच्चों। चलिए चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देता हूँ, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए कि इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। समझना बच्चे, ये एक ट्राइंगल है, इसके वर्टिस पे सारे के सारे वर्टिस पे चार्ज रख दिया क्यू, इसका सेंटर है लेट से ओ, सेंटर पे एक चार्ज रखा है बच्चे कैपिटल क्यू, इस पे फोर्स बताना है। सेकेंड केस में ये एक स्क्वायर है जिसकी भी साइड लेंथ क्या है बच्चे ए, इसके भी सेंटर पे एक रखा है चार्ज कैपिटल क्यू और सारे के सारे वर्टिसेस पे रखे बच्चे चार्जेस स्मॉल क्यू, इसके भी सेंटर पे रखे हुए पे क्या बताना है टोटल फोर्स। तीसरे की बात करते हैं, ये क्या बच्चे अपना एक रेगुलर पेंटागन, क्या बच्चे एक रेगुलर पेंटागन जिसकी सारी की सारी साइड लेंथ कितनी है बच्चे ए, क्लियर है इतना, ये रहा। इसके भी बच्चे जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है ओ, उस पे चार्ज रखा है क्यू, तो इस कैपिटल क्यू पे फोर्स लगाना है, एंड सो ऑन। हेक्सागन पे भी चलो निकाल ही लो, इतने पे निकालो, फिर बात करते हैं कि स्पेशल क्या मैं बताने वाला हूं। इसके भी सारे वर्टिसेस पे चार्ज क्यू रखा है और सेंटर पे ज्योमेट्रिकल सेंटर पे चार्ज रख दिया कैपिटल क्यू, इस पे नेट फोर्स बता रहा है इन चारों केस में। जल्दी से एक मिनट दिया चारों के लिए। हो गया बच्चों, सभी को समझ आएगा क्या आंसर है, जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखो क्या है बच्चों आंसर। आंसर है अंडा, शून्य, जीरो। क्यों? यहां पे देखेंगे ये वाला क्यू चार्ज कुछ इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर लगाएगा, ये तीन इक्वल फोर्सेस इक्वल एंगल पे लग रहे हैं, नेट रिजल्टेंट क्या आएगा यहां पे जीरो। यहां पे भी देख सकते हैं ये क्यू इसको इधर धक्का दे रहा होगा, ये इधर धक्का दे रहा होगा, ये इसको इधर धक्का दे रहा होगा, ये इसको इधर, क्या चारों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं? मतलब चार फोर्सेस इक्वल एंगल पे लिख रहे हैं तो क्या बच्चे नेट रिजल्टेंट क्या आना है यहां पे भी जीरो। सिमिलरली पेंटागन के भी सारे वर्टिसेस पे क्या रखा है चार्ज क्यू और सेंटर पे भी चार्ज रखा है क्यू, तो ये भी नेट रिजल्टेंट ये इधर धक्का लगाएगा, ये इधर धक्का लगाएगा, ये इधर धक्का लगाएगा, ये इधर धक्का लगाएगा, ये पांच फोर्स इक्वल एंगल पे लग रहे हैं तो ये भी नेट रिजल्टेंट क्या प्रोड्यूस करेंगे बच्चे जीरो। सिमिलरली यहां पे भी बच्चे आपको दिख रहा होगा कि ये इधर धक्का लगा रहा होगा, ये इधर धक्का लगा रहा होगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये भी नेट रिजल्टेंट क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चे जीरो। मतलब बच्चे अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अपन सीधी सी बात है ये कंक्लूड कर सकते हैं, लिखो बच्चे कंक्लूजन इससे, पहले तो ये नोट करो जल्दी से। इन ऑल केस आंसर वुड बी जीरो जीरो, क्लियर है? जल्दी लिखिए 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 लिखिए, छापिए 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 छापिए, छापिया लिखा जाए, कंक्लूजन लिखो। इफ कंक्लूजन हेडिंग लगाना, कंक्लूजन लिखो, इफ इफ इक्वल चार्जेस, इफ इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड, इफ इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट ऑल द वर्टिसेस, एट इफ इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट ऑल द वर्टिसेस ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन, ऑफ एनी रेगुलर पॉली, रेगुलर होना जरूरी है, सारी साइड लेंथ एज लेंथ बराबर होना जरूरी है, ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन, देन द नेट फोर्स एक्सपीरियंस, देन द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज, देन नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज प्लेस्ड एट द बाय द चार्ज प्लेस्ड एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर, प्लेस्ड एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर विल बी जीरो, विल बी जीरो। हिंदी में बात करते हैं, कोई भी रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन होगा
और उसके सारे वर्टिसेस पे अगर आपने इक्वल चार्जेस रख दिए तो उसके उस फिगर के ट्रायंगल का ज्योमेट्रिकल सेंटर हो, चाहे स्क्वायर का ज्योमेट्रिकल सेंटर हो, चाहे पेंटागन का ज्योमेट्रिकल सेंटर हो, चाहे हेक्सागन का ज्योमेट्रिकल हो, सभी के ज्योमेट्रिकल सेंटर पे अगर रेगुलर पॉलीगन है और सारे वर्टिसेस पे इक्वल चार्ज रखे हैं तो हमेशा कोई सा भी ऑक्टागन आ जाए, डेकागन आ जाए, कोई सा भी रेगुलर पॉलीगन हो, सब में चार्ज प्लेस एट इट ज्योमेट्रिकल सेंटर वुड बी फोर्स वुड बी जीरो, फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस एट ज्योमेट्रिकल सेंटर वुड बी जीरो। क्लियर है बच्चों? इतना आगे बढ़ जाएं, छाप लिया है, चलो नया क्वेश्चन। ये थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान से बच्चे समझना। अभी जो समझाया उसके बेसिस पे, ये कोई अपना रेगुलर पॉलीगन है, सारी की सारी साइड लेंथ नहीं देता हूं मैं, वर्टिसेस से लेंथ ले देता हूं। रेगुलर है तो बच्चे सारी वर्टिसेस से जो दूरी होगी वो सेम होगी, और ये कितनी दे रखी है ए, हर एक वर्टिसेस से दूरी कितनी दे रखी है ए, ये इरेजर ये, और अपन ने हर एक वर्टिस पे चार्ज क्या रख दिया, क्यू। सिर्फ एक ये वर्टिसेस जो ए है, अगर मैं इसको ए बोलूं, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, यहां पे बच्चे मैंने कोई वर्टिसेस ए पे कोई चार्ज नहीं है। अब इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे मैंने एक चार्ज कैपिटल क्यू रख दिया, तो इस पे नेट फोर्स की वैल्यू एज वेल एज डायरेक्शन दोनों बताना। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज कैपिटल क्यू, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज कैपिटल क्यू placed at the geometrical center of regular polygon। निकालिए बच्चे, शुरू हो जाइए। निकालो जल्दी, सोचो, एंगल के बारे में सोच रहे हो तो शायद गलत सोच रहे हो कि कॉम्प्लेक्स एंगल बन रहे हैं, पेंटागन है, 72 डिग्री, 36 डिग्री, इस तरीके का एंगल बनेगा। बिल्कुल सही बनेगा, बट थॉट प्रोसेस थोड़ा और दिमाग चलाइए, समझ में आएगा क्या सही है क्या गलत। करिए जल्दी करिए। ये रेगुलर पॉलीगन है, सारी एज लेंथ एक है, इसीलिए सेंटर से लेके हर वर्टिसेस की दूरी भी क्या है, सेम है। हो गया? थोड़ा और दिमाग चलाओ, एक मिनट और दिया। हो गया बच्चों? देखा जाए, बहुत छोटी सी बात है बच्चे। मान लो देखना बच्चे कितना अच्छा क्वेश्चन है, शानदार। यहां पे बच्चे मैंने एक चार्ज क्यू लाके रख दिया, और अब मैं पूछूं इस पे नेट फोर्स कितना होगा, आप बोलोगे सर जीरो। अरे कितना फोर्स होगा इस पे? जीरो। क्लियर है ना? रेगुलर पॉलीगन सारे वर्टिसेस पे इक्वल चार्ज, तो नेट फोर्स ऑन ए चार्ज प्लेस एट सेंटर क्या हो जाएगा? जीरो। तो बच्चे समझना, अगर यहां पे ये चार्ज नहीं था तो फोर्स जीरो नहीं हो रहा, लेकिन इसके लाते ही फोर्स जीरो हो गया। हे भगवान, Thank you.
इसके लाते ही बच्चे फोर्स क्या हो गया, जीरो। मतलब बच्चे ये जो फोर्स लगा रहा है, अगर यहां पे बच्चे मैंने एक एक्स्ट्रा चार्ज रख दिया क्यू, ये एग्जैक्टली सिर्फ इस चार्ज क्यू की बात करो तो ये एग्जैक्टली उतना ही फोर्स इस क्यूब पे लगा रहा है जितना ये चारों जो चार्ज है बी सी डी ई पे रखे हैं ये मिलके लगा रहे। अरे इसके लाते ही नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। मतलब ये नहीं था तो नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा था। मतलब बी सी डी ई का जो नेट रिजल्टेंट आ रहा है वो एग्जैक्टली चार्ज क्यू के फोर्स के बराबर है बट उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो बच्चे अगर यहां पे Q होता तो कितना फोर्स लगाता, कुछ नीचे की तरफ लगाता। वैल्यू की बात कर लेते दोनों, अगर यहां पे Q है स्मॉल Q है तो K कैपिटल Q स्मॉल Q, डिस्टेंस कितनी है बच्चे a स्क्वायर। ये तो कौन लगाता, Q, लेकिन Q है ही नहीं। और Q अगर लगाता तो इन चारों के फोर्स को बैलेंस करके नेट फोर्स सेंटर पर क्या कर देता, जीरो। दैट मीन्स ये चारों मिलके फोर्स का मैग्नीट्यूड तो इतना ही लगा रहे हैं लेकिन डायरेक्शन क्या है बच्चे, एग्जैक्टली अपोजिट। मतलब अगर इन चारों का फोर्स मैं बनाऊं तो ए बी सी डी ई की वजह से फोर्स की डायरेक्शन आएगी अपवर्ड और वैल्यू आएगी एग्जैक्टली सेम, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर। सॉरी, क्लियर हुआ? ट्रिकी क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था, बहुत एक मिनट का क्वेश्चन था। अगर आपको ये चीज क्लिक कर गई होगी कि भैया अगर होता तो जीरो होता, दैट मींस अगर मैं यहां पे एक चार्ज रख रहा हूं, ये तो सिर्फ हमें मालूम है ये क्यों, तो इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है और फोर्स लगा के इन चारों के इफेक्ट को क्या कर दे रहा है, जीरो। मतलब ये चारों नेट एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड तो इसके फोर्स के बराबर लगा रहे होंगे लेकिन रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या होगी, एग्जैक्टली अपोजिट। क्लियर है बच्चों? अच्छा लगा क्वेश्चन, आगे बढ़ जाए। एक क्वेश्चन और देता हूं, लेट्स से वापस से पेंटागन ही ले लेता हूं। ये चार्ज क्यू, ये चार्ज क्यू, ये चार्ज क्यू। अब यहां पे कोई ज्यादा कलाकारी दिखाएगा तो यहां रख देगा चार्ज माइनस टू क्यू, यहां पे भी मैंने क्या रखा, जीरो। अब आपसे मैंने कह दिया अगर यहां पे चार्ज माइनस टू क्यू है तो सेंटर पे रखे हुए चार्ज क्यू जिसकी वर्टिसेस, सारे की वर्टिसेस से दूरी क्या है बच्चे, ए। सारे वर्टिसेस की सेंटर से दूरी क्या है, ए। तो बच्चे अगर यहां क्यू 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 रखा है और यहां माइनस टू क्यू रख दिया तो सेंटर पे रखे हुए चार्ज क्यू पे टोटल फोर्स की वैल्यू एज वेल एज डायरेक्शन दोनों बतानी है। जल्दी से शुरू हो जाइए। ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, पहले ही से पता है अप्रोच क्या है। अप्रोच सोचने में तो समय लगना नहीं है, जल्दी से देखो। बस मैं ये देखना चाह रहा हूं कि अप्रोच सच में हिट कर रही है कि बस मजे ले रहे हो तुम सब। और पेन कॉपी रख के पढ़ो। देखो बच्चे मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, लर्निंग इज डूइंग। सिर्फ पढ़ना सुनना कुछ नहीं होता बेटा, जो सुनते वो बस सुनते वक्त अच्छा लग रहा है तो क्या आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, फिर वो वैसे ही जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा हो जाता है। तो एक्चुअली में अगर बच्चे आपको सीखना है तो पेन कॉपी तो चाहिए। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वो लोड करते चलो, जो सवाल दिया उसमें तुरंत भिड़ो, वेट मत करो, सर्च बताएंगे तो सुन लेंगे। अपना दिमाग लगाओ, जब अपना दिमाग लगाओगे तो धीमे 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 अपना दिमाग सोचने की हैबिट अपनी डेवलप होती है, फिर अपना दिमाग ऐसे खटा 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 चलता है सवालों में। तो मेरे साथ लगे रहो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो जल्दी। कितने बच्चों का हो गया, जिनका हो गया वो आंसर टाइप कर सकते हैं या फ्लैग रेस कर सकते हैं, यस सर करके कुछ भी कमेंट्स में मेरे थ्रू बातें कर सकते हैं। अभी जो करके बैठे हैं उन अपन गप्पे मारते हैं, बाकी लोग करो जल्दी से। 10 सेकंड का और समय दिया, फ्रेम से थोड़ा आउट हो जा रहा हूँ कि क्वेश्चन क्लियर दिखे। समझ गया ना, यहाँ क्यू 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 रखा है, यहाँ माइनस टू क्यू कर दिया तो बताओ नेट फोर्स कितना लगेगा। देखा जाए फिर से बच्चे,
रेगुलर पेंटागन है, एंगल्स अपना स्टैंडर्ड एंगल नहीं बनेगा, तो सॉल्व करने में आपको वेक्टरली दिक्कत होगी। लेकिन थोड़ा सा दिमाग चला लेते, थोड़ा सा दिमाग चलाते ही मैंने क्या किया बच्चे, यहाँ पे एक चार्ज क्यू रख दिया, ये एक्स्ट्रा में, और चार्ज क्यू रखेंगे तो एक एक्स्ट्रा में माइनस क्यू भी रखना पड़ेगा। क्यू और माइनस क्यू मतलब एज अ होल नेट कितना रखा, जीरो। कितना रखा, जीरो, कोई फर्क नहीं। मान लेते हैं एक्चुअली में यहाँ पे क्यू भी है एक्स्ट्रा में और एक्स्ट्रा में एक माइनस क्यू भी है, तो क्यू रखते ही इस पेंटागन का इफेक्ट यहाँ पे कितना हो गया, जीरो। इस पेंटागन की वजह से यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है बच्चे, जीरो। क्लियर है इतना? तो अब ये क्वेश्चन रिड्यूस हो गया है मेरे पास कि भाई साहब यहाँ पे टोटल चार्ज रखा है एक माइनस का थ्री क्यू और यहाँ पे रखा है एक चार्ज कैपिटल क्यू और इनके बीच की दूरी है ए। अरे देखो माइनस टू क्यू माइनस क्यू कितना हो गया, थ्री क्यू। चार्ज क्यू मैंने जैसे ही यहाँ पे चार्ज क्यू अपने मन से एक बनाया और एक माइनस क्यू, क्यू माइनस क्यू बनाया मतलब मैंने जीरो ऐड किया, कुछ भी चेंजेस नहीं लाए। अब लेकिन चार्ज क्यू ऐड करते ही इन पांचों का नेट फोर्स यहाँ पे क्या हो गया, जीरो। तो बचा क्या टोटल में, माइनस थ्री क्यू चार्ज, और माइनस थ्री क्यू चार्ज अगर इस क्यू पे चार्ज फोर्स लगाएगा तो किधर लगाएगा बच्चे, डायरेक्शन क्या होगी, अट्रैक्टिव होगी मतलब ऊपर की डायरेक्शन में। डायरेक्शन ऑफ फोर्स समझ में आई? मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो एफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा, के थ्री क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, खत्म। डायरेक्शन की बात करें तो अपवर्ड, ये है डायरेक्शन फोर्स की। मैग्नीट्यूड कितना है, थ्री एफ कितना है, के इंटू थ्री स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये ए है। क्लियर है बच्चों? देखा कितना अच्छा शानदार सा, बस छोटा सा दिमाग लगाना है, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, एप्टीट्यूड। क्लियर है बच्चों? जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन और देता हूं बच्चे, देखना। ये बच्चे अपनी एक्स एक्सिस है, इस पे बच्चे यहां पे चार्ज रखा है 4q और यहां पे चार्ज रखा है लेट से q, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम चार्ज q, फ्रॉम चार्ज स्मॉल q, सच दैट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, सच दैट एनी चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट will experience net zero force, will experience net zero force। क्या कहा बच्चे, ये 4q रखा है, ये q रखा है, आपको इस q से ऐसे पॉइंट की एक डिस्टेंस बतानी है जिस पे अपन कोई चार्ज रख दे तो उस पे नेट फोर्स क्या लगे, जीरो। शुरू हो जाओ बच्चे, दो मिनट दिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकली सोचना है, और मैं एक तरीका बताऊंगा जो तरीका आप समझ जाएंगे तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए फटाक से काम करेंगे। इसमें मैथमेटिक्स के टर्म्स में काफ़ी कंफ्यूजन होता है लेकिन मैं जो बताऊंगा उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, देखना बच्चे। शुरू हो जाओ, पॉइंट की लोकेशन इस एक्सिस पे ही होगी जो एक्सिस से कनेक्ट कर रही है ना, इसी पे कोई पॉइंट बताना, ऐसा नहीं परपेंडिकुलर पेंडिकुलर कहीं चले गए, इसी एक्स एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट बताओ जहाँ पे थर्ड चार्ज रख दे तो उस पर नेट फोर्स क्या हो जाए बच्चे, जीरो। शुरू हो जाओ जल्दी से।
हुआ कि नहीं हुआ जल्दी, 10 सेकेंड और। देखा जाए, चलो लेट्स स्टार्ट। पेन कॉपी रख दो। अब देखो जो मैं समझा रहा हूँ डिटेल में बच्चे, सबसे पहला प्रोसेस, भिड़ते ही पेन मत चलाओ, थोड़ा पहले दिमाग चलाओ। पहले देखते हैं कि कौन से रीज़न ऐसा है जहाँ पे नेट फोर्स जीरो होने की पॉसिबिलिटी है। मैं इसको तीन रीज़न में डिफाइन कर लेता हूँ, रीज़न वन, रीज़न टू, रीज़न थ्री। मतलब इसके इधर रीज़न वन, इसके बीच में रीज़न टू और इसके इधर रीज़न थ्री। यहाँ से शुरू करते हैं। मान लो बच्चे मैंने कोई टेस्ट चार्ज पकड़ा 4Q, मान लो कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया, कोई थर्ड चार्ज मैंने लिया वो पॉजिटिव है। ये 4Q वाला चार्ज अगर मैंने यहाँ पे कहीं रखा उसे, तो फोर्स किधर लगाएगा? इस रीज़न में कहीं भी रख दिया तो 4Q पॉजिटिव चार्ज को तो रिपेल ही करेगा। अगर रीज़न टू में कहीं रखा तो ये 4Q वाला चार्ज रिपल करेगा, तो दूर भगाएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो। और रीजन थ्री में भी रखा तो रिपल्शन की वजह से क्या इधर ही भगाएगा? ये 4Q ग्रीन वाले जो भी एरो हैं वो 4Q अगर रीजन वन में चार्ज रखा तो किधर फोर्स लगाता? रीजन टू में लगता, तो किधर लगाता? रीजन थ्री में रखता तो किधर लगाता? इस बात को आइडेंटिफाई करा, ठीक है। अब इस स्मॉल क्यू वाले की वजह से जो फोर्स है, लेट्स से मैं किसी डिफरेंट कलर पर्पल कलर से दिखा देता हूं। अगर वही पॉजिटिव चार्ज लेट से रीजन वन में रखा है, ये भी पॉजिटिव और वो थर्ड टेस्ट चार्ज भी अपना पॉजिटिव है, तो ये भी क्या करेगा? रिपल, पर्पल वाला एरो इधर। अगर रीजन टू में रख दिया तो ये चार्ज क्यों क्या करेगा? रिपल ही करेगा। रिपल करेगा मतलब अपने से दूर, मतलब डायरेक्शन की ये हो गई। और रीजन थ्री में अगर रख दिया उसी पॉजिटिव, तो अभी भी क्या करेगा बच्चे? रिपल, और रिपल करेगा तो अपने से दूर भगाएगा, कुछ इस डायरेक्शन। तो पर्पल वाले एरो हो गए फोर्स की डायरेक्शन जो क्यू से पॉसिबल है, स्मॉल क्यू से, और ये ग्रीन वाले एरो हो गए जो कैपिटल 4Q से पॉसिबल है। क्लियर है बच्चों? तो अगर ये क्लियर है तो बच्चे इस चीज को देखो कि कौन से रीजन में, रीजन वन टू और थ्री, कौन से रीजन में आपको ऐसा लगता है एरो की डायरेक्शन की फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं? रीजन वन में लगता है क्या? अरे दोनों साथ ही हैं, एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, कैंसिल करेंगे क्या? नहीं, एड अप होंगे। रीजन थ्री देखो, दोनों एक ही डायरेक्शन में इधर ही, कैंसिल होंगे या एड अप होंगे? दोनों साथ ही भैया ऐड होंगे, उधर ले जाएंगे धक्का लगा के। लेकिन रीजन टू दिख रहा है, ग्रीन वाला वैलो इधर, पर्पल वाला इधर, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बच्चे? यहां पे रीजन टू में कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमें यह पता चल गया कि रीजन टू ही ऐसा है जहां पे कैंसिल आउट हो सकता है। तो बच्चे मैं क्या करता हूं, यहां पे रीजन टू में यहां कहीं अपना टेस्ट चार्ज मान लेता हूं, पेन का कलर बदल लूं, यहां पे रख दिया अपन ने टेस्ट चार्ज कैपिटल क्यू, यहां से एक्स डिस्टेंस पे। अब हमें पता है एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, हमें वैल्यू से मतलब है। हमें यह तो पता चल गया कि रीजन ये है, तो इसका सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन क्योंकि क्वाड्रेटिक बनेगी अभी दिखाऊंगा, तो हमें उस सॉल्यूशन में सिर्फ हमें पता है कि लाई कहाँ कर रहा है। अब हमें एक्स की वैल्यू कितनी है ये फाइंड करनी है। अब समझते हैं, ये 4Q वाला इधर की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो इस डायरेक्शन को बच्चे मैं पॉजिटिव मान लेता हूं, तो इस 4Q और इस क्यू की ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? एल माइनस एक्स, यहां से यहां। तो ये 4Q इस कैपिटल क्यू पे जो फोर्स लगा रहा है वो कितना लगा रहा है? के कैपिटल क्यू 4Q अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? माइनस
ये कैपिटल क्यू पे ये 4q इधर कुछ डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और ये क्यू वाला अगर इधर डागा रहा है, इधर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल चुके हैं, तो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी बच्चे, नेगेटिव, तो माइनस आ गया। इसके और इस कैपिटल क्यू में कितना फोर्स आएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये दोनों फोर्स लिख लिए। और नेट फोर्स कितना होना चाहिए था बच्चे बॉडी में, क्वेश्चन में दे रखा है शून्य, अंडा जीरो, क्लियर है। चलिए अगर ये सब क्लियर है तो देखो के क्यू स्मॉल क्यू ये सारे कट मरे शहीद हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 times एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, हाँ या ना, बाकी सॉल्यूशन इधर कर रहा हूं इसका, तो एक्स 2x का होल स्क्वायर क्या बच्चे एल माइनस एक्स के बराबर आ गया, एल माइनस एक्स के होल स्क्वायर, स्क्वायर को क्या करते हैं बच्चे खोल देते हैं, और स्क्वायर को हटा देंगे तो यहां से कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू एल माइनस एक्स, 2x इज इक्वल टू एल माइनस एक्स, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई l बाय 3, हमें सिर्फ वैल्यू से मतलब है, यहां स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस दो वैल्यू आएंगी, सबको नेग्लेक्ट, हमें पता है x कहां पे लाई कर रहा है, x की वैल्यू कितनी आ गई l बाय 3। तो बच्चे अपना फाइनल आंसर जो होगा वो क्या होगा, एट अ डिस्टेंस l बाय 3 टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ चार्ज q, आंसर फाइनल क्या होगा, एट अ डिस्टेंस l बाय 3 ऑन द लेफ्ट ऑफ, ऑन द डिस्टेंस l बाय 3 ऑन द लेफ्ट ऑफ चार्ज स्मॉल q, क्लियर है बच्चों, मजा आया, क्वेश्चंस को डिटेल में समझा, बेसिक बेसिक्स आज मैंने क्वेश्चंस कराए कूलॉम्ब्स लॉ पे, और भी सारे को अभी क्वेश्चंस करेंगे कूलॉम्ब्स लॉ पे, बच्चे अभी कूलॉम्ब्स लॉ पे वेक्टर फॉर्म तो यूज़ ही नहीं किया जो कि काफ़ी अच्छा और यूजफुल फॉर्म है, तो वेक्टर फॉर्म भी मैं समझाऊंगा कैसे लिखते हैं वेक्टर फॉर्म, और वेक्टर फॉर्म का क्या यूज़ है, कहाँ कहाँ वेक्टर फॉर्म से क्वेश्चन बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो बच्चे ये सब जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, ट्यून्ड रहिए अपने चैनल अनअकैडमी स्टूडियो स्केप वेलोसिटी, यहाँ पे मेरे साथ कनेक्ट रहिए, मैं रोज़ आपको इसी तरह से बच्चे बहुत अच्छी तरीके से बेसिक से शुरू करके सब्जेक्ट को बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊँगा, क्लियर है बच्चों। चलो आगे बच्चे कुछ चीज़ें और मैं आपको नई चीज़ें बता दूं, बच्चे अनअकैडमी में जैसे बच्चे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे मेरे जैसे इंडिया के जो और भी टॉप एजुकेटर्स हैं वो भी बच्चे अब अनअकैडमी पे अवेलेबल है, तो आप मेरे साथ साथ उनसे भी पढ़ सकते हैं, उनके उनसे भी नॉलेज गैदर कर सकते हैं, और अपनी चांसेस ऑफ सिलेक्शन IIT-JEE को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं घर बैठे जस्ट विद द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी स्टूडियो। तो बच्चे जैसे अभी अपन YouTube पे पढ़ रहे हैं अनअकैडमी स्टूडियो के वेलोसिटी, उसी तरह अपना एक प्लेटफॉर्म भी है अनअकैडमी प्लस करके, उस पर भी आप आ सकते हैं, प्लस का होने का बच्चे बहुत फ़ायदा है, बिकॉज जैसे ही आप अनअकैडमी प्लस पे आते हैं, ये जो प्लस का सब्सक्रिप्शन है वो शायद थोड़ा कम दिख रहा है, उसमें आपको वीकली टेस्ट मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, होमवर्क मिलेगा, प्रैक्टिस पेपर्स मिलते रहेंगे, जिससे आप जो पढ़ रहे हैं उस चीज़ का एवेल्युएशन भी कर सकेंगे कि जो मैंने पढ़ा है वो एग्जैक्टली कितना सीखा है। तो बच्चे उस प्लस के प्लेटफॉर्म पे जो आपको वीकली मॉक टेस्ट मिलेंगे IIT-JEE मेंस प्लस एडवांस के लिए 12th batches के, क्लास 12th batch का जो पेपर है पहला test 1 वो जुलाई 28 को है दिन में 1 PM पे, और जो बच्चे क्लास 11th में हैं उनका भी test 1 जुलाई 28 को है 5 PM पे, तो अनअकैडमी प्लस के सब्सक्राइब करके जो क्लास 11th का आपने सिलेबस पढ़ा है उसका टेस्ट दे सकते हैं बच्चे जुलाई 28 को 5 PM पे, और जो बच्चे ड्रॉपर है जो ड्रॉप ले रहे हैं उनका भी बच्चे टेस्ट है सितंबर 1 को 9 AM पे। सिलेबस की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, तो अच्छे टेस्ट वन की ये शेड्यूलिंग मैं बता रहा हूँ, इसी तरह बच्चे वीकली हर वीक में जो कुछ भी आपने सिलेबस पढ़ा है उसका टेस्ट होता रहेगा, प्लस अलग से डाउट सेशंस अरेंज होते रहेंगे जिसमें आप टीचर से अपने जो कुछ भी पढ़ा है उसके डाउट्स वो सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं बहुत ईजिली बहुत अच्छी तरीके से। तो बच्चे ऑलमोस्ट जो भी कोचिंग में जो जितनी भी फैसिलिटी मिलती उससे ज़्यादा एडवांस उससे ज़्यादा बेटर तरीके से आपको यहाँ पे अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। और तो और बच्चे एक चीज़ और मैं बता दूँ कि प्लस के सब्सक्रिप्शन पे एक बहुत अच्छा फायदा है बच्चे, 41 प्लस टॉप एजुकेटर सिर्फ और सिर्फ अपने IIT-JEE के कैटेगरी में ही यहाँ पे अपने साथ जुड़े हुए हैं। तो बच्चे कोई टॉपिक मान लो अगर किसी टीचर का कम समझ में आता है या नहीं समझ में आता है, तो रेगुलर जब कन्वेंशनल कोचिंग कर रहे होते हो तो आप परेशान हो जाते हो, फिर दूसरे इंडिविजुअल ट्यूशंस में भाग रहे होते हो, टाइम वेस्ट होता है, प्लस लॉट्स ऑफ मनी, पैसा भी बहुत ज़्यादा खराब होता है, बिकॉज IIT-JEE की कोचिंग आप देख रहे हैं काफ़ी कॉस्टली है। बट अपने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे एक तो इतनी सारी फैसिलिटी है, हाईएस्ट पूल ऑफ टीचर है,
और किसी से भी फ्लेक्सिबिलिटी आप पढ़ सकते हो, और सारे के सारे बहुत ही अच्छे टीचर अपने साथ कनेक्टेड हैं। और अगर मैं 2 ईयर 24, ये एक साल का नहीं बच्चे, 2 साल का 24 मंथ का अगर कोर्स के प्लान की बात करूँ, वो फीस करूँ, तो सिर्फ और सिर्फ कितना है बच्चे, 40,000 अपनी फीस है। और एक अच्छी बात और मैं बता दूं, अगर आप अपन अनअकैडमी प्लस के सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो कि आपको करना चाहिए जरूर, तो उस अनअकैडमी के प्लस के सब्सक्रिप्शन अगर लेने जा रहे हैं, तो एक जरूर काम करिएगा, ये मेरा कोड है बच्चे अमन लाइफ, ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करते ही बच्चे आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट हो जाएगा, तो जो आपका फोर स्ट्रक्चर 40,000 का जा रहा था, वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ 36,000 रह जाएगा। तो घर बैठे बैठे अभी मैंने चुटकियों में आपका 4,000 रुपये का फ़ायदा करा दिया, मेरे को थैंक यू बोल सकते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। क्लियर है बच्चे? तो स्टे कनेक्टेड रहिए अपने यूट्यूब के चैनल पे भी, और अनअकैडमी प्लस से सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, बहुत ही अच्छा है, वहाँ पे और भी ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव वे में मैं पढ़ाऊंगा, होमवर्क आपको डेली मिलता रहेगा, और भी बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी मेरी तरफ से। तो प्लस का सब्सक्रिप्शन बहुत ही अच्छा है, आपको लेना चाहिए। प्लस अभी के लिए इस यूट्यूब चैनल जो अपना चल रहा है, उसको लाइक करिए, वीडियोज़ को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस अच्छे से प्लेटफॉर्म से बेनिफिट उठा सके। ओके बायस, थैंक यू, कल फिर मिलेंगे, टाटा।